कासगंज जनपद के किसानों को भारतीय स्टेट बैंक और आनंदा ने ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के अंतर्गत सैकड़ों महिला एवं पुरुष किसानों को 1 करोड़ का लोन न्यूनतम ब्याज एवं बिना सिक्योरिटी के उपलब्ध कराया। यह लोन उन्हीं किसानों को दिया गया जो आनंदा डेयरी से जुड़े हुए हैं, जिससे किसानों को पशुपालन करने में प्रोत्साहन मिलेगा। आनंदा डेयरी के चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने बताया कि आनंदा उत्तर प्रदेश के हैं, 6000 गाँव के किसानों से सीधे तौर पर दूध खरीद रहा है। चेयरमैन ने बताया कि आनंदा की डॉक्टरों की टीम निःशुल्क काम कर रही है, जो गांव-गांव जाकर पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य करती है। इस मौके पर आनंदा डेयरी एवं भारतीय स्टेट बैंक के तमाम उच्च अधिकारी एवं मैनेजर उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। और ये आनंदा ने जो प्रोग्राम किया है, ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, SBI के द्वारा ये ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। 200 किसान को 1 करोड़ रुपये का लोन कराया उपलब्ध, जिसमें 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर किसान जो है दूध की पेमेंट में से ही EMI देगा, 9% के बावजूद भी उसकी पेमेंट टाइम से होगी तो 3% का उसको रिबेट मिलेगा। और आज आनंदा 6000 गाँव में अपना मिल्क प्रिक्योरमेंट कर रहा है, उत्तर प्रदेश के 35 डिस्ट्रिक्टों से। इसमें 3 लाख हमारे किसान हैं। आज आनंदा के पास UP से 10 लाख लीटर दूध मिल्क प्रिक्योर हो रहा है। 80 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं आज आनंदा ब्रांड में। 2500 डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा पूरे नॉर्थ इंडिया में 1 लाख रिटेलर को हम ये सप्लाई देते हैं। और आज 10 देश हिंदुस्तान से बाहर में एक्सपोर्ट हो रहा है। आने वाले समय में हम हिंदुस्तान से बाहर जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, 100 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जिससे विदेश से जो मुद्रा डॉलर में भी हमारे देश में आ सके। आज आनंदा 5000 लोगों को डायरेक्ट रोज़गार दे रहा है, और इनडायरेक्ट जो रोज़गार दे रहा है वो लगभग 20000 लोगों को साथ में जोड़े हुए हैं। आनंदा का मुहिम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें, किसानों को लाभान्वित कर सकें और कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।